ओ तू छड़ ना अपने पापा की बातों को, तू हम दोनों की गाल सुन। देख अगर तो हमें इशिता और रमन को एक साथ वापस लेके आना है ना पति और पत्नी की तरह, ते फिर तेनु हमारे प्लान में हमारा साथ देना होएगा, समझ आई है? हाँ दादी वो तो ठीक है, पर मैं झूठ कैसे बोल दूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ मेरी गर्लफ्रेंड है? अरे हमको मालूम है ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, उनको तो पता नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। इलैया आप दोनों मुझे कहाँ पे क्या जोक सुना है यार, पूरा जोकर है यार। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे आदि से अकेले में बात करनी। ठीक है सैरी, खाना बो, चलो चलो। तो एक बार तेरे कमरे में बहुत कम आता हूँ। पापा क्या बात है, बोलिए ना। तेरी कॉलेज में लड़कियां भी होंगी? नहीं गर्ल्स हुआ फ्रेंड्स, कई लड़कियों को तू अच्छा लगता होगा, कई तुझे अच्छी लगती होंगी। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन everybody makes mistakes, है ना? हम तो इंसान है, इंसान से गलती होती है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है ना आदि, कि छुपाना मुश्किल हो जाता है उन्हें। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं एग्जैक्टली, हाँ मैं भी यही कहता था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं से बहुत कुछ में अपने आप क्या होता है। You need to protection बहुत जरूरी है। क्या? Protection, मैं तुझे protect करता हूँ, तेरा पापा हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। अरे कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें अगर जिनके precautions नहीं लिए गए तो आगे चल के जब वो उभरती हैं तो छुपाना मुश्किल हो जाता है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? अरे listen listen listen, मैं पापा नहीं हूं, तेरा दोस्त हूं, दोस्त के नाते बता रहा हूं। You understand what I'm saying, ना? गाड़ी कितनी तेज चला रहे, स्पीड ब्रेकर आने से पहले ब्रेक मारना जरूरी है, वरना। पापा इट्स ओके, मुझे सारी चीजों का पता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, 21 साल का हो गया हूं, आई नो एवरीथिंग। थैंक गॉड। गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है पापा, और By the way, मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया, so please calm down। शर्म आती मुझे तुझ पे, मेरा बेटा होके तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? आधी लाइफ में इतना भी सीरियस मत हो जा कि सारी लड़कियां तेरी बहन बन जाए बेटा। सुन जोक सपाट, हर रिश्ते में ना एक हाथों की जो पार नहीं करनी चाहिए, तब तक रिश्ते मीठे रहते। And don't make the mistakes your father made. हर किसी को दोबारा चांस नहीं मिलता जिंदगी में, सब रिश्ते दिल से बनते हैं, चल रिश्ते। आदि चाहे तो लड़की चाइना से असेंबल करवा ले, लेकिन मद्रासन से प्यार मत करना। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी वो भुगते जो मैं भुगत रहा हूं। मद्रासन शायद अब बहुत देर हो गई पापा। कुछ सोचा कि पीयू को कैसे बताएंगे? नहीं अभी तक तो नहीं, फिलहाल तो शकुन मामा भी घर पे नहीं है, सो आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम। सही बोल रही हो, मम्मी के सामने इशू से बात नहीं कर सकती मैं, और कैसे बात करूं फिर, आई थिंक इशू को घर ले जाती। अरे बंधु परियामा आओ ना अंदर, वहां क्यों खड़े हो, आओ। कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे तुझसे बात करनी थी, बट तुम दोनों बात कर रहे थे तो अरे डिस्टर्ब नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप आओ उनसे बात करो ना, वैसे भी मुझे दादी से कुछ काम है, आप दोनों बात करो। नो प्रॉब्लम। क्या हो गया? वेट हम
ईशु मुझे ना क्या ईशु क्या सोचा तूने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचना है लाइफ के बारे में अब तक तुम दोनों ऐसे रहोगे तुम मैरिड है भी और नहीं भी ईशु आई अंडरस्टैंड कि 7 साल में इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि इमीडिएटली सब कुछ ठीक हो जाए बट तुम दोनों एक कपल की तरह रहते ही नहीं हो पति पत्नी की तरह रहते ही नहीं हो ऐसे लगता है कि तुम दोनों दोस्त हो आई थिंक कि तुम दोनों को वापस एक बार शादी कर लेनी चाहिए सीरियसली तुम दोनों शादी करोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मा ने भेजा ना आपको ये सब बात करने के लिए अम्मा ना एक मिनट अम्मा ने भेजा तो क्या हुआ गलत कह रही है क्या वो ईशु प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड तुम और रमन शादी कर लोगे तो तीनों बच्चे और तुम एक फैमिली की तरह रह पाओगे यार पीहू का क्या उसके लिए शगुन उसकी मम्मा है मैं उन लोगों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ और आदि और रूही का क्या वो नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स एक साथ एक कपल की तरह रहे ईशु तुम दोनों शादी करोगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री भी वापस आ जाएगी वो रिलेशन में जो स्पार्क होना चाहिए ना वो वापस आ जाएगा प्लीज अंडरस्टैंड ईशु अच्छा एक एक बात बता मुझे तुझमें अभी भी रमन के लिए फीलिंग्स है कि नहीं आज ही निकलना जरूरी है क्या ठीक है नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूंगा तुम टिकट्स वगैरह अरेंज कर लो बिजनेस मीटिंग के लिए आज ही जाना था मद्रास को बता दूंगा ना काटने को दौड़ेगी बोल ईशु रमन के लिए नहीं तो और किसके लिए होंगी अक्का लेकिन बात पहले जैसी नहीं है 7 साल गुजर गए रमन पहले जैसे नहीं है पहले से भी ज्यादा कुड़कुड़ कुमार हो गए ज्यादा मतलब हर बात पे गुस्सा करना मणि को देखो एज के साथ मैच्योर हो गया है हर मामले को कितने इजीली पेशेंटली हैंडल करता है और अब जब हम शगुन और उसकी शादी की बात कर रहे हैं देखना वो पूरी तरह से कोशिश करेगा उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए रमन से ये थोड़ी ना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मतलब ऑब्वियसली वो किसी के लिए एडजस्ट नहीं करेंगे बल्कि नाराज ही होंगे फिर मुझमें थोड़ी ना वो एनर्जी रह गई है कि मैं हर तरह की कोशिश करती रहूँ इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए मैं जहाँ हूँ ना कहाँ मैं खुश हूँ जो भी मुझे मिल रहा है आई एम हैप्पी सब जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है एक चीज यहां नहीं मिलती नीलू नीलू कचरा भरा पड़ा है नीलू हाँ भैया अरे मेरा क्रीम वाला जैकेट कहाँ है घर में किसी को बता कौन सी चीज कहाँ रखनी है मुझे नहीं पता भैया मैं तो यहीं रखती हूँ सारे कपड़े तो जैकेट तो वहाँ होगा अपना जैकेट चला गया वो क्रीम वाला जैकेट नहीं मेरा बाकी सारे का जैकेट मिल जाएगा इस कमरे में क्या हुआ नीलू बाहर जाओ क्या ढूंढ रहे हो आप अरे मुझे अभी बाहर जाना है अर्जेंट एक मीटिंग के लिए और मेरा जैकेट नहीं मिला मुझे क्या हुआ पैसे क्यों चिल्लाए जा रहे हो अरे मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है किसी के पास वक्त ही नहीं मेरे लिए मुझे कैसे पता होगा रमन आपने बताया ओह सॉरी देवी जी आपको बताना भूल गया पर क्या करूं मैं तो उनमें सुना जो बदल ही नहीं सकते है ना और तुम्हारे पास तो पेशेंस है नहीं मुझे संभालने की हमेशा चिल्लाऊंगा कुड़कुड़ करते रहूंगा तुम पे चढ़ते रहूंगा एडजस्ट तो कर नहीं सकता मैं है ना तो जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ना तुम्हें क्या प्रॉब्लम तुम यही चाहती हो ये बात है आपको किसी ने सिखाया नहीं कि चुप चुप के किसी बात नहीं सुनते हैं मतलब हद है रमन अगर मैं अक्का से कुछ और बोलती तो वो तो यही बोलती ना कि अब भी शादी कर लो सो आई हैड टू अगर इसीलिए वो सब बोला तुमने तो ठीक है वैसे तुम भी जानती हो कि दुनिया में मुझसे ज्यादा एडजस्टिंग हस्बैंड नहीं मिलेगा तुम्हें वैसे कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो मैंने बोली जिन पे काम करना हो सकता है एक मिनट हेलो कौन सी चीजों पे काम करना हो सकता है सोचो बहुत टाइम मिलेगा 5 दिनों में क्रीम सूट इसे बोलते हैं आओ 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 अच्छा हुआ तुम आ गए तुम्हें देख के शायद उसका मूड अच्छा हो जाए
आलिया अपने कमरे में बैठी हुई सुबह से, तो प्लीज तुम जाओ एंड ट्राई एंड चीयर हर अप। अंकल आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने मूवी की दो टिकट्स भी बुक कर लिए हैं और उसके बाद लंच का भी प्लान है। आई होप आप तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, आई टोल्ड यू दैट। जाओ अपने कमरे में जाओ। आलिया। अरे आदि तुम? हाँ मैं। तुमने मेरा मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया ना। सुनो अभी हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम लंच करेंगे और मैंने तुम्हारे अप्पा से भी परमिशन ले लिया, उन्होंने कहा है जाओ घूम के आओ, अब तुम जल्दी से उठ जाओ और रेडी हो जाओ। सॉरी आदि पर मेरा मूवी देखने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम चले जाओ प्लीज। ये सब क्या है आलिया? कुछ नहीं बस अम्मा का कुछ सामान था मेरे पास, अम्मा की मेरा मतलब है इशिता आंटी की कुछ यादें। आलिया इशिमा तुम्हारी अम्मा है और वो हमेशा तुम्हारी अम्मा रहेगी। नहीं आदि इससे सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना, अप्पा अप्पा शगुन आंटी से शादी करने वाले हैं, अब मुझे उन्हें अम्मा बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से, मुझे मिहिर ने बहुत समझाया और मैं समझी भी। अम्मा को बुलाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, कितनी यादें जुड़ी हैं, कितने अच्छे पल बिताए हैं हमने साथ। पता है आदि बचपन में जब मेरे अम्मा पापा मुझे छोड़ के चले गए थे ना इस दुनिया से, तो मामा ने मुझे संभाला था और उसके बाद उन्हीं को मैं अप्पा बोलने लगी। फिर इशिता आंटी आई और हमारी लाइफ कंप्लीट हो गई, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। इशिता की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता आदि। Don't cry, okay? उनकी जगह कभी कोई नहीं लेगा। Don't worry, come. सुनो, मुझे नहीं पता था रोते हुए तुम्हारी नाक भी बहती है। So mean. आलिया आदि के साथ बाहर गई हुई है, वो मूवी और लंच का प्लान है उनका। आदि ने मुझे बताया था पर मेरे दिमाग से शगुन को ढूंढा जा रहा है, वो एक एनजीओ के काम से बाहर गई हुई है, दो दिन बाद तुम्हें मिलेगी। हाँ वो मुझे बता चुकी है, जानता हूँ। नहीं मैं देख रहा था कि रमन कहाँ है। रमन वो एक बिजनेस ट्रिप ले गए, दो तीन दिन में वो भी वापस आ जाएंगे। बैठो, सारा खाना तुम्हारे लिए बनाया गया है। इतना सारा खाना नहीं, सब तुम्हारे लिए, दामाद जी के लिए प्यार है इतना सारा। सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई। ये सब खाने से पहले ये हमारा साउथ इंडियन खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए पायसम बनाया स्पेशल। लेकिन अम्मा आंटी जी इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी पुत्र, आखिर तू इस घर का होने वाला जमाई है, बनता है तेरे खाते तवाजो, हम तो आदत डाले सारी चीजों की। आई कैनॉट हेल्प यू, तुम दामाद और दामाद की इतनी खातिरदारी होती है, मैं तो लड़की वालों की तरफ से हूँ ना। यू आर माय लास्ट होप, बट आई एम हेल्पलेस। तेनू पता नहीं है पुत्र, अभी तो सिर्फ शादी की बात हुई है तो कितनी रौनक आ गई है हमारे घर में। शादी? किसकी शादी है दादी? बोलो ना किसकी शादी है? अरे वो पीहू, वो ना मनी अंकल के फ्रेंड की शादी है और यहाँ सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, फ्रेंड की शादी, इसके फ्रेंड की शादी है। ओह मनी अंकल, मुझे शादी में जाना बहुत पसंद है, क्या मैं आ सकती हूँ? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी ज्वेलरी पहनो और अच्छा खाना खाओ, डांस करो। हाँ हाँ तुम जरूर आ सकती हो, लेकिन वो शादी थोड़ी सिंपल सी होगी। उफ़ो, फिर तो आपकी फ्रेंड की शादी बहुत बोरिंग हो जाएगी। आप एक काम करो, आप अपने फ्रेंड से मेरी बात करवा दो, मैं उन्हें कहूँगी कि शादी में डांस और म्यूजिक तो होना ही चाहिए। अच्छा अच्छा, वो सारा कुछ भी हो जाएगा, बोल देंगे तेरे अंकल। तू पहले खाना दिखा ले, देख कितना कुछ बना है और तेरी पसंद का ना टमाटर चिकन भी बना है। आजा, पार्टी ही आपने बनाया है ना,
मैं सिखाऊं? हाँ, मैं सर्व करती हूँ। अरे भाई तू सब लेट प्लीज। अच्छा 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 बैक 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 यम्मी यम्मी पास्ता। बहुत ही टेस्टी था। अच्छा लगा ना? अच्छा अभी तुम स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो और फिर मैं तुम्हारे लिए और लेकर आऊंगी पायसम। ओके पापी। ईशु, तुमने देखा ये पेहू ने पायसम कैसे खाया? वो नट्स नट्स निकाल के पहले पूरा पायसम खाया और फिर बाद में नट्स खाए। अयो, जब तुम छोटी थी ना तो तुम भी ऐसे ही खाती थी पायसम। वो तो तुम्हारी बेटी है ना, वो अपने माँ के गुण तो लेगी ही। पहले वो शगुन की बेटी है अम्मा, बाद में मेरी। पिगु, आपको भी माँ मानेगी शिमा, और ये गिफ्ट मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ। कैसे नीनू? मिही, आओ। भाभी आपने बुलाया? बैठो। ये वाला सेट देखो जरा। अच्छा है ना ये? इसके साथ में मैचिंग कंगन रहेंगे, ये वाली साड़ी और भाभी लेकिन ये सब है क्या मतलब? शगुन के लिए तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया उस हिसाब से, बट उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा ये? भाभी सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उन्होंने तो डिसाइड किया कि वो बहुत सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं, फिर इस सब की क्या जरूरत है? तुम क्या बोल रहे हो? क्यों ना? मिहिर, ये मेरे और शगुन के बीच की बात है। शगुन ने अब तक जो भी किया है ना मेरे लिए, इस फैमिली के लिए, हम सबके लिए, आई थिंक ये तो बहुत छोटा सा तरीका है थैंक यू बोलने का। हम उतना कर भी नहीं सकते जितना बड़ा काम उसने हमारे लिए किया है। एंड तुम हमारे साइड में हो ना, तो प्लीज अभी तुम कुछ नहीं बोलना उसकी तरफ से। हाँ। अब सबके बारे में कितना सोचते हो? कुछ नहीं, फैमिली वाली। आदि कैसा था लंच? कहाँ पे किया? मूवी कैसी थी? ना मूवी देखी और ना लंच किया। ए, क्या हुआ? रुको रुको रुको, क्या हो गया? आलिया नहीं आई क्या? क्या वो अभी भी? आलिया बहुत अपसेट है शिमा, वो मनी अंकल और शगुन मम्मा की शादी को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड है। मुझे अभी इस सब के बारे में कोई बात नहीं करना। आलिया अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं हो। क्या हुआ आदि? क्या हुआ? क्या कहा आलिया ने? क्या उसने मना कर दिया शादी के लिए? अरे वो तो मान गई थी ना, फिर अचानक कैसे, क्या हुआ है बताओ ना। पता नहीं है शिमा, मुझे लगता है कि आलिया शादी से खुश नहीं है। आई थिंक हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको, हमें शादी को ही थोड़ा टाइम देना चाहिए, सब कुछ बहुत जल्दी हो। क्या बोल रहे हो? शादी को समय? तो मालूम है कितने समय तक शगुन ने कितना सफर किया है, उसे इतने टाइम बाद खुशी का एक मौका मिला है, तो समझाना चाहिए था ना आलिया को। अरे शिमा, आलिया को ऐसे दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जानता हूँ आप जो शगुन मम्मा के लिए कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर क्या तुम मेरे नजरिए से देख नहीं पा रहे हो? और एक्चुअली तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा भी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई है, तुमने देखा नहीं है जिंदगी को। आधे अभी तुम्हें लाइफ में बहुत चांसेस मिलेंगे, करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके बहुत चॉइसेस होंगे, एंड तुम जो चाहो डिसीजन ले सकते हो इजीली। लेकिन शगुन के केस में ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास चॉइसेस भी लिमिटेड है, चांसेस भी लिमिटेड है। वो अगर आज के दिन शायद इस शादी के लिए मना कर दे तो पता नहीं उसे ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। इतना अच्छा इंसान मणि, पता नहीं उसकी लाइफ में दोबारा आए ना आए, who knows? उसने इतना कुछ सहा है, पता नहीं वो दोबारा शादी के लिए कभी हाँ बोले भी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें ये मौका गंवाने देना चाहिए, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, हम सबको। मैं समझ सकता हूँ सारी बातें इशमा। आप आलिया को मनाइए प्लीज, आप हेल्प कर सकते हो प्लीज इशमा, प्लीज इशमा। आज आलिया बहुत ज्यादा अपसेट थी और उसे दुखी देखकर ना मैं
मैं भी अपसेट हो रहा हूँ। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? कर लेंगे हैंडल, डोंट वरी, हो जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।